अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम मुफरदात पढ़ रहे थे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने इसका जो फर्स्ट टॉपिक है अभल वो पढ़े थे। आज हम आवरेशम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका जो इंग्लिश नेम है ये बॉम्बिक्स मोरी या सिल्क कोकून है। अब इसकी माहियत देखते हैं। हैवानी दवाओं में एक बेहतरीन और कारामद दवा है जो कि अमराज़े कल्ब में ख़ासतौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अमराज़े कल्ब में इस्तेमाल होने वाली एक ख़ास दवा है। ठीक है, ये एक कीड़े का घर है जिसको अपने लोआब से बनाता है। असल में जो ये आबरेशम है ये कीड़े का घर है जिसको वो अपने लोआब से बनाता है। रेशम के कीड़े इस घर को तैयार करते हैं। अब इस घर को जो कीड़े तैयार करते हैं वो रेशम के कीड़े होते हैं। जब तक ये घर अपनी मखसूस शक्ल में यानी गोल, बैजवी और जर्द रंग का होता है, इसको आबरेशम खाम कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो घर होता है इसकी शक्ल कैसी रहती? गोल होता, बैजवी होता और जर्द रंग का होता। इसको आबरेशम खाम कहते हैं। लेकिन अगर इसको कैंची से काट कर साफ कर लिया जाए तो इसे आबरेशम मुकर्रस कहते हैं। बतौर दवा आबरेशम मुकर्रस ही इस्तेमाल है, मुस्तमिल है। तो पहले कैसा रहता है? ये जो इसका घर है ये अपनी मखसूस शक्ल में यानी गोल रहता, बैजवी रहता और जर्द रंग का होता है। तो इसको क्या कहेंगे? हम आबरेशम खाम कहेंगे। लेकिन अगर इसको कैंची से काट कर साफ कर लेंगे तो इसे आबरेशम मुकर्रस कहेंगे। बतौर दवा आबरेशम मुकर्रस ही मुस्तमिल है। तो आबरेशम खाम और आबरेशम मुकर्रस का फर्क समझ में आया? ठीक है। अब इसका जो माखिज है वो हैवानी है, मतलब ये एक हैवानी दवा है। इसका जो मिजाज है ये गर्मोगुश्क दर्जे अव्वल है। गर्मोगुश्क दर्जे अव्वल की दवा है। इससे पहले जो हमने अभल पढ़े थे वो गर्मोगुश्क दर्जे दुवम की दवा थी। ठीक है। अब इसके जो अफाल है तो ये मुफर्रे व मुकव्वी कल्ब है, यानी ये कल्ब को तकवियत बख्शता है, फरत बख्शता है। मुलतिफ है, यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने वाली दवा है। मुनफी से बलगम है, एक्सपेक्टोरेंट है, बलगम को खारिज करता है। जाली है या साफ करने वाली दवा है। इस्तेमाल, आबरेशम मुकर्रस को तफरी और तकवियत कल्ब के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इस मकसद के लिए इसको खमीरा व मुफर्रियात और मुआजीन में इस्तेमाल कराते हैं। मुआजिन में इस्तेमाल कराते हैं। इसी तरह जोफे कल्ब, खिपकान यानी पालपिटेशन और जगतु दम कभी हाइपरटेंशन के लिए बेहद मुफीद है। खांसी, दमा और नज़ला ज़ुकाम बारिद में, जबकि बलगम गलीज हो, तो इसको लतीफ बनाने के लिए और अखराज करने के लिए इस्तेमाल कराते हैं। इखराज करने के लिए इस्तेमाल कराते हैं। जाली होने के बाद आबरेशम भिरिया करके फिर बारीक सफूफ करके बतौर घोल आंखों में लगाए जाते हैं। जाली होने की बिना पर, जाली है यानी ये साफ करने वाली दवाई, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग? पहले आबरेशम लेंगे, इसे भिरिया करेंगे, भिरिया यानी भूनेंगे, इसको भूनकर फिर इसका बारीक सफूफ करके कोहल के तौर पर बतौर कोहल क्या करेंगे? आंखों में लगाएंगे। आंखों के मुख्तलिफ अमराज, मसलन हिक्कत चश्म जिसे आंखों के खारिश कह सकते हैं या खारिश कहते हैं, आशोब चश्म जैसे आंखों का आना, करह चश्म आंखों के अमराज, दमा या लैक्रिमेशन में मुफीद है। ठीक है। इसका जो नफ़ा ख़ास है ये मुनफ़ी से बलगम है या एक्सपेक्टोरेंट है। क्या है इसका नफ़ा ख़ास? मुनफ़ी से बलगम है। और ये मुजिर किस चीज़ के लिए है? गुर्दे के लिए ये मुजिर है। मुसले क्या है? ये क्या है इसका मुसले? असारून। और इसका बदल बर्ग गाउजबा। मकदार खुराक इसकी 3 से 5 माशा या 3 से 5 ग्राम रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके मशहूर मुरक्कबात, तो खमीरा आबरेशम सादा, खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, खमीरा गाव जबा, खमीरा मरवारीद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके मशहूर मुरक्कबात है। अब जो इसमें कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं,
तो आबरेशम में अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, राइबोफ्लेविन वगैरह पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा आबरेशम। ठीक है फ्रेंड्स, जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।